प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके इलेवेंथ क्लास में भी और ट्वेल्थ क्लास में भी दोनों ही क्लासेस में काम आने वाला है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज पता करना हो तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूं जो आपको दोनों ही क्लासेस में और फर्दर आप जब बीएससी में जाएंगे या आगे और स्टडी के दौरान जब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो वहां ये चीज बहुत काम आएगी आपको। तो इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में हम तीन टाइप के फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉलिनोमियल्स, सेकंड स्क्वायर रूट फंक्शंस और थर्ड रेशनल फंक्शंस। तो इन तीनों टाइप के फंक्शंस के लिए जब आप डोमेन और रेंज पे काम करेंगे तो आपको दो विशेष बातें ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, ए से बी साइड पे डिफाइंड किया हुआ है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू वाई आपको दिया हुआ है। यहां पर वाई जो है ये कुछ भी हो सकता है, यहां पर एक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, यहां पर एक रेशनल फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन के लिए आपने ध्यान रखना है कि वाई मस्ट बी रियल, क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करते हैं, देखिए जब डोमेन की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि इस ए सेट के कितने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इधर कोई ना कोई इमेज पड़ी है। तो डोमेन में वही एलिमेंट्स होंगे जिनकी कोई ना कोई इमेज होगी। इमेज होने का मतलब वो इमेज कोई ना कोई रियल नंबर होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस की। तो रियल फंक्शंस में जो हमारी रेंज होती है वो रियल नंबर्स का सेट या उसका कोई ना कोई सबसेट होती है। तो वाई जो है यहां पर वो कोई ना कोई रियल नंबर होगा। वाई मीन्स एक्स की इमेज, अगर वाई है तो ये वाई रियल नंबर होना चाहिए। तो डोमेन के लिए वाई मस्ट बी अ रियल नंबर, और रेंज के लिए इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि रेंज में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो किसी ना किसी की इमेज है, ए सेट के किसी एलिमेंट की जो इमेजेस हैं। तो इस बी सेट में कोई भी एलिमेंट रेंज में तभी आएगा जब उसकी कोई ना कोई प्री इमेज यहां ए सेट में होगी, और ए सेट में प्री इमेज होने का मतलब जो उसका एक्स है, मींस वाई की प्री इमेज अगर हम एक्स मान के चलते हैं तो वो एक्स कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ए सेट के अंदर भी सभी रियल नंबर्स हैं। तो आपने बस ये दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है जब आप डोमेन पे काम कर रहे हैं, डोमेन निकाल रहे हैं तो वाई को आपने रियल नंबर मान के चलना है, और जब आप रेंज पे काम कर रहे हैं तो एक्स को एक रियल नंबर मानते हुए आपने चलना है, एक्स मस्ट बी ए रियल नंबर। आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर के उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया पॉलिनोमियल फंक्शन, तो मैं यहां एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ले लिया मैंने। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज हमने पता करना है, तो डोमेन के लिए कहते हैं कि वाई मस्ट बी रियल नंबर। y क्या है यहां पर, एफ एक्स, वाई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस तीन हो गया। अब आपने ये देखना है कि अगर y कोई रियल नंबर है, y बिलोंग्स टू r है, मींस ये एक्स स्क्वायर प्लस तीन है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आपने देखना है कि x की क्या क्या वैल्यूज यहां पर पॉसिबल है जिससे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक रियल नंबर हो जाए। क्या कोई x की ऐसी वैल्यू आपके ध्यान में आ रही है, आपकी निगाह में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है x की जिसको इसमें पुट करने से और ये रियल नंबर ना रहे? सोचिए, मेरे ख्याल से कोई भी आप ऐसी वैल्यू यहां पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोई भी एक्स की वैल्यू यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते जिसको इस फंक्शन में रखने पर वाई रियल ना रहे। एक्स को आप कोई भी रियल वैल्यू दे दीजिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, कोई भी रियल नंबर आप एक्स की जगह पुट कर दीजिए, वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो रियल नंबर में ही आएगी। मीन्स वाई अगर रियल नंबर है देन x मे बी एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है x की जिसको हम छोड़ें, जिसको हमें छोड़ना पड़े। तो यहां पर जो इसका डोमेन है वो तो हो गया R, और मोस्टली जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे उन सभी में डोमेन, मैं आपको पहले बता देता हूं कि रियल नंबर्स का सेट जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन होता है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए हम क्या कहते हैं कि x मस्ट बी रियल। x आप यहां से निकाल लीजिए, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है आप उसको बैलेंस करके x निकाल लीजिए। अब यहां से देखिए x square plus 3 is equal to y है, तो x square equal to y minus 3 हो गया। आपको x चाहिए तो x क्या होगा, अंडर रूट y minus 3 square root हो जाएगा। अब यहां आपको क्या चाहिए, रेंज निकालनी है,
तो रेंज के लिए आपको चाहिए कि x एक रियल नंबर होना चाहिए, x मस्ट बी रियल। अब x क्या है, अंडर रूट y माइनस थ्री, मीन्स अंडर रूट y माइनस थ्री मस्ट बी रियल नंबर। तो आपको मैं बता दूं कि जो स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम अभी आगे और भी डिस्कस करेंगे, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन या स्क्वायर रूट की शेप में कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई तो वो एक्सप्रेशन रियल कब होगी, इसको आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए y माइनस थ्री की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर है, सपोज y को मैं जीरो ले लेता हूं, तो जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर रूट क्या होगा आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर्स का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर नहीं आता, तो किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करने पर भी आप कोई रियल वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते। तो y माइनस तीन जो है वो आपका पॉजिटिव होना जरूरी है, y माइनस थ्री अगर नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आप निकाल ही नहीं सकते, इसलिए ये जो y माइनस थ्री है ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का अर्थ यहां पर क्या है कि या तो जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो के बराबर हो तो भी चल जाएगा। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये थ्री उधर गया, जीरो प्लस थ्री थ्री हो गया, y की वैल्यू तीन या तीन से ज्यादा होगी, और y की वैल्यू तीन या तीन से ज्यादा होने का मतलब हमें रेंज पता लग गई, क्योंकि रेंज में हम क्या लेते हैं, y की सभी वैल्यूज जो पॉसिबल है। डोमेन में x की पॉसिबल वैल्यूज लेते हैं, तो यहां पर डोमेन हमने देखा कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए डोमेन रियल नंबर्स का सेट हो गया। और रेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, तो y की वैल्यूज तीन या तीन से ज्यादा है, इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है वो हो जाएगी थ्री या थ्री से ऊपर कोई भी रियल नंबर, मीन्स थ्री से लेके इन्फिनिटी तक का एक इंटरवल बना देंगे जिसमें थ्री को भी हमने शामिल करना है, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये इस फंक्शन की रेंज हो गई। तो ये तो बात हो गई पॉलिनोमियल्स के बारे में, बात करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की। तो मैंने यहां पर एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाता है। ऐसे फंक्शंस के डोमेन और रेंज की जब हम बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, एफ एक्स को मैं एक बार के लिए वाई लिख लेता हूं, वाई इक्वल टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने वही दो बातें ध्यान रखनी है कि जब हम डोमेन निकालेंगे तो वाई मस्ट बी अ रियल नंबर, वाई को रियल नंबर लेकर के, और फिर हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। तो आप देखिए डोमेन के लिए y मस्ट बी रियल, y रियल नंबर होने का मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट जो है ये रियल नंबर होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट में आपको मैंने अभी बताया था स्क्वायर रूट के अंडर अगर कोई भी एक्सप्रेशन आ जाती है तो ये पूरा का पूरा रियल कब होगा, जब अंदर वाली चीज जो स्क्वायर रूट के नीचे आई हुई चीज है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट जो है वो रियल नंबर नहीं रहेगा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 जो है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा है, इसको मैं घुमा के लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर लेस देन 4, 4 एक्स स्क्वायर से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर 4 से छोटा हो गया, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, इसको मैं एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये जो चीज है इससे एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर हो रही कि x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो x का स्क्वायर भी 2 के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर 2 के स्क्वायर से छोटा चाहिए तो x की वैल्यू 2 से छोटी हो गई, ये चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 तो है लेकिन माइनस 2 भी तो हो सकता है। तो इस प्रकार की इनइक्वालिटी के केस में आपको मैंने पहले भी एक चीज बताई है, यहां भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर आ जाए तो x की वैल्यू a से लेस या इक्वल तो होगी, नो डाउट। माइनस a के साथ क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा x की वैल्यू माइनस a से बड़ी होगी और a से छोटी, ये हमें पता लगी रहे, माइनस a से बड़ी होगी क्योंकि इसके दो स्क्वायर रूट है, तो दोनों स्क्वायर रूट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से इसको एसोसिएट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा हमें। इसी प्रकार अगर कहीं काम करते करते x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर आ जाए या खाली ग्रेटर देन a स्क्वायर आ जाए, नो प्रॉब्लम, तो वहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू a से बड़ी और x की वैल्यू माइनस a से छोटी, अगर यहां इक्वालिटी आ जाए तो यहां और यहां भी इक्वालिटी आ जाएगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि y को रियल बनाने के लिए हमें x की वैल्यू 2 या 2 से कम रखनी पड़ेगी और अकॉर्डिंग टू दिस माइनस 2 या उससे बड़ी,
मीन्स एक्स की वैल्यू माइनस दो से लेके दो के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकती है, और एक्स की जो वैल्यूज है उनका सेट क्या कहलाता है? डोमेन। तो यहां पर डोमेन ऑफ एफ, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डी फॉर डोमेन और नीचे सफिक्स कर देंगे एफ, तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? माइनस टू से लेके टू तक जितने भी रियल नंबर है उन सभी का सेट, ब्रैकेट लगाएंगे यहां पर क्योंकि माइनस टू और टू दोनों शामिल हो रहे हैं, तो ये इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल बनेगा यहां। अब मैं इसी फंक्शन की रेंज की बात करने जा रहा हूं। रेंज के लिए आपने पढ़ा कि एक्स मस्ट बी रियल, फॉर रेंज एक्स मस्ट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां आपको पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको उठाएंगे और वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वेयर कर लीजिए, वाई स्क्वेयर इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, स्क्वेयर रूट हट गया इसका, एक्स स्क्वेयर इधर आ जाएगा और उधर फोर माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा। यहां से एक्स की वैल्यू फोर माइनस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट हो गई। तो आपने पहले एक्स निकाल लेना है, एक्स को डिफाइन कर लेना है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक्स अगर रियल नंबर है, देखिए एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, तो ये एक रियल नंबर होना चाहिए। अब इसके साथ फिर वही चीज हम जो फोर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ अभी की थी, वही चीज इसके साथ करें। तो देखिए ये रियल नंबर कब होगा, जब फोर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से वही सेम चीज आ जाएगी, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर आएगा, वाई की वैल्यू टू या माइनस टू के, टू और माइनस टू के बीच में आएगी। तो यहां पर वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो माइनस टू से टू के बीच में है, दैट मीन्स इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, वो होगी माइनस टू से टू के बीच में। तो इस प्रकार से आपने पहले y को रियल मानते हुए ये चेक कर लेना कि x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, वो तो डोमेन में आ जाएंगी, और फिर x को निकाल के, x को डिफाइन करके उसको रियल नंबर मानते हुए आपने y देख लेना है कि y कहां से कहां तक या क्या क्या वैल्यूज y की पॉसिबल है, उन वैल्यूज का सेट जो है वो आपकी रेंज बन जाएगी। अब यहां मैंने एक तीसरे टाइप का फंक्शन, रेशनल फंक्शन ले लिया है, जिसका हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम वही कि भैया एफ एक्स को वाई से लिख लीजिए, वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। पहले हम डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन के लिए हम क्या देखते हैं कि वाई मस्ट बी ए रियल नंबर, फॉर डोमेन वाई मस्ट बी ए रियल नंबर, वाई मस्ट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब वाई ये है, ये रियल कब होगा, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू जो है वो रियल होना चाहिए। वैसे तो आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दे, ऊपर भी एक रियल नंबर आएगा और नीचे भी एक रियल नंबर आएगा, लेकिन अगर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे, तब तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा ना, हम इस एक्सप्रेशन को डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे उस केस में। तो यहां आप क्या लिखेंगे कि इसके रियल होने के लिए डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए क्या था कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, सेम उसी प्रकार से रेशनल फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू टू, x की वैल्यू इसमें सिर्फ टू नहीं हो सकती, टू को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है x की। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, x नॉट इक्वल टू टू का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिर्फ टू को छोड़ के। तो यहां पर इसका जो डोमेन है f का वो आ गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू, रियल नंबर्स के सेट में से हमने इस सेट को घटा दिया जिसमें एक अकेला एलिमेंट टू है, मींस रियल नंबर्स में से टू को अलग कर दिया, बाकी जो है रियल नंबर्स बच गए टू को छोड़ के, वो सभी रियल नंबर्स आपके डोमेन में आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए मैंने आपको पहले बताया कि एक्स मस्ट बी रियल, तो इसमें आपको पहले x डिफाइन करना पड़ेगा, वो कैसे होगा, देखिए 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई। आप इसमें से x को निकालने की, डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या होता है, इधर ये 2x प्लस वन है, ये x माइनस टू उधर गया, y के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई या वाई एक्स माइनस टू वाई। अब आपको x निकालना है तो आप x की टर्म्स एक साइड कर लीजिए, ये इधर आएगा 2x ऑलरेडी पड़ा है, y इधर आया वाई एक्स, ये उधर माइनस टू वाई और ये वन उधर गया, माइनस हो जाएगा। अब इसमें x कॉमन आ गया, बचा टू माइनस वाई और उधर माइनस टू वाई माइनस वन। अब आप x बनाएंगे, यहां से क्या बनेगा,
माइनस टू वाई माइनस वन और नीचे टू माइनस वाई। तो अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए क्या होना चाहिए, एक्स मस्ट बी रियल नंबर। तो जब आप इसको रियल नंबर लेके चलेंगे तो उसमें फिर वही बात आएगी, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रियल नंबर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, टू माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई नॉट इक्वल टू टू आ जाएगा, मीन्स इसकी जो रेंज बनेगी, रेंज ऑफ एफ, वो भी सभी रियल नंबर्स टू को छोड़ के, ये इसकी रेंज आ गई। तो इस प्रकार से आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का या रेशनल फंक्शन का या स्क्वेयर रूट फंक्शन का डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। डोमेन के लिए आप y को रियल मान के चलेंगे और x की वैल्यूज पता कर लेंगे क्या हो सकती हैं। रेंज के लिए आप x को रियल मानते हुए y की वैल्यूज का पता लगा लेंगे कि y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं।